किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तकदीर में खुशियाँ होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई खुश रहता है। हेलो दोस्तों, मैं सुनपरी आज फिर से आपके पास एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक बिजनेसमैन की, जिसका बहुत ही अच्छे से बिजनेस चल रहा था। सानो सकत की कोई कमी थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, अच्छा से दो चार बिजनेस चल रहा था और अच्छा खासा चल रहा था। बहुत ही पैसा था, ऐसा कुछ नहीं कि पैसे की कोई कमी, कोई सी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह सोचता था, उससे पहले उसके सारे काम उसके नौकर कर दिया करते थे, किसी चीज़ की पर उसको कोई कमी नहीं थी। एक दिन वह दफ्तर में अपने कमरे में बैठे हुआ होता है और मन ही मन सोचता है कि क्यों ना हम एक अकाउंटेंट को बुला कर अपने जितना भी मेरे जायदाद है, ज़मीन जायदाद है, जितना भी मेरे पास पैसा है उसकी गिनती करवा देते हैं। आखिर हमारे पास कितना है, कितना जायदाद है हमारे पास। तो दूसरे दिन ही तुरंत अकाउंटेंट को बुलाता है और कहता है कि मुझे एक हफ्ते के अंदर तुम कागज़ पे बनवा के दो कि मेरा कितना जायदाद है। अकाउंटेंट राज़ी हो जाता है। दो तीन दिन के बाद अकाउंटेंट आ जाता है और कहता है कि सर, आपके पास इतना जायदाद है कि आपकी 7 पीढ़ियाँ आराम से बैठ कर खा सकती हैं। यह बात सुनकर वह बहुत दुख में पड़ जाता है, बहुत सोच में पड़ जाता है। तो अकाउंटेंट को कहता है कि तुम जाकर इसके सारे लिखा पढ़ी के दस्तावेज बना दो, सारे पेपर्स बना दो, कितना है क्या है नहीं है। और वह सोचने लगता है कि हमारी 7वीं पीढ़ी तक तो सब कुछ है, लेकिन हमारी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। यह सोच उसको बहुत ही अंदर अंदर खरोदते जा रहा था। वह घर जाता है, घर जाकर वह बच्चों के साथ खेलता था, उस दिन बच्चों के साथ भी नहीं खेलता है, अपनी वाइफ से भी नहीं मिलता है, अपनी वाइफ से भी बातें नहीं करता है और उदास रहने लगता है। एक दिन वह सोचता है कि मैं एक बाबा के पास जाऊँगा, सत्संग होते रहता है, वहाँ बाबा के पास जाता है, वहाँ सत्संग सुनता है। उसके बाद उसे तो मेन काम बाबा से मिलना था। जब सत्संग ख़त्म होता है, बाबा अकेले होते हैं, तो वह बाबा से जाके मिलता है और कहता है, बाबा मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास इतना सब कुछ है कि मेरी 7 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सकती है, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। यह सोचकर सुनकर बाबा बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि बगल के एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है, उसे जाकर बस 1/2 किलो आटा दान कर देना, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाए। वह तुरंत अपने घर में नौकर को फ़ोन करता है और 1 क्विंटल आटा मंगा के लाता है। इधर से वह बगल वाले गांव पहुंचता है, उधर से उसका नौकर आटा लेकर पहुंचता है। जाकर एक झोपड़ी में दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा निकलती है। वह कहता है, अम्मा मैं आपके लिए 1 क्विंटल आटा लेकर आया हूँ, आपको महीने तक राशन की कोई झंझट नहीं होगी। अम्मा कहती है, धन्यवाद बेटा, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। वह कहता है, अच्छा 1 क्विंटल नहीं 50 किलो ले लो। और फिर कहती है, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा इसका, क्या करूँगी इसका। वह कहता है, ठीक है उतना तो नहीं, लेकिन 10 किलो ले लो। वह तब भी ना कर देती है। वह कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, 10 किलो ना सही, लेकिन 1/2 किलो ले लो, कम से कम तुम्हारे कल के खाने का तो हो जाएगा। वह बूढ़ी अम्मा कहती है, नहीं बेटा, मैंने आज का भोजन कर लिया और कल का मेरे भोजन का इंतजाम ऊपर वाला कर देगा। अगर मुझे जीवित रखेगा, उसे मुझे जीवित रखना होगा, तो वह कल का भोजन का इंतजाम कर देगा। तो मैं कभी टेंशन नहीं लेती हूँ, मैं अपने कभी कल के भोजन के लिए चिंता नहीं करती हूँ, क्योंकि ऊपर वाला है ना, वो सब संभाल लेगा। यह सुनकर वह बिजनेसमैन बहुत ही खुश हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि बाबा ने सच में उसे बूढ़ी अम्मा के पास ही क्यों भेजा था। तो आज में ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए, कल का क्या है वह ऊपर वाला सब सोच के रखा है, सब तय करके रखा है। आपके कर्म के हिसाब से आपको फल जरूर मिलेगा, बस कर्म अच्छा कीजिए और अपने आज में ज़िंदगी जिए। भविष्य की चिंता में आप अपना आज मत बर्बाद कीजिए। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए।
धन्यवाद दोस्तों।